वेलकम फ्रेंड्स, शूज़ के बारे में गुड लक या बैड लक की बात करते हैं। क्या शूज़ भी हमारी लाइफ में बैड लक लेकर आ सकते हैं? क्योंकि शूज़ को एक तरह से सैटर्न का रूप माना जाता है, यानी सैटर्न रिप्रेजेंट करता है शूज़ के थ्रू। तो हमारी लाइफ में कुछ चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो शूज़ हैं वो कभी भी टूटे फूटे या फटे हुए, जिनकी हालत बिल्कुल बेकार हो चुकी है, उनको बिल्कुल भी रिप्लेस आप कर दीजिए, घर से बाहर ही कर दीजिए सबसे फर्स्ट तो। फिर आप अगर कहीं काम पर जा रहे हैं, यानी आप अपने वर्क प्लेस पर, ब्राउन कलर के शूज़ आप कभी भी पहनकर नहीं जाइए। आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू में जाते समय आप अपने शूज़ को बिल्कुल चेक करिए, क्योंकि सैटर्न आपके साथ में जा रहा है। तो नौकरी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू तो नौकरी के लिए ही देंगे और सैटर्न उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप शूज़ कभी भी बेकार हालत में, ख़राब हालत में या कहीं से टूटा अगर है तो आप इंटरव्यू के लिए पहनकर बिल्कुल न जाइए। और वर्क प्लेस पर ब्राउन कलर के जो शूज़ हैं वो न पहनकर जाइए। डॉक्टर्स के लिए जो शूज़ के लिए वास्तु टिप है, वाइट कलर के जो शूज़ हैं वो डॉक्टर्स को कभी नहीं पहनने चाहिए, उनको दूसरे कलर के शूज़ ही पहनने चाहिए। तो शूज़ भी हमारी लाइफ में गुड लक या बैड लक किस प्रकार से लेकर आ सकता है। भोजन करते समय कभी भी शूज़ पहनकर आप न बैठिए, क्योंकि शूज़ फिर वही सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरी चीज़, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप कभी भी शू रैक या शूज़ की जो पोजीशन है वो बिल्कुल भी न रखिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा हेड का पोजीशन है, वहाँ पर सैटर्न को स्थापित न होने दीजिए। एक चीज़ का आप और ध्यान रखिए, गिफ्ट आप लोग देते ही हैं तो गिफ्ट में कभी भी शूज़ कभी भी न दें इस, और शू रैक कभी भी मेन गेट के पास ओपनली बिल्कुल न रखिए। शूज़ बिखरे हुई हालत में मेन गेट पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये फिर सैटर्न को वेलकम करता है। तो इस प्रकार से ये छोटी सी जो टिप है, आप शू रैक या शूज़ के लिए आप इन वास्तु टिप्स को फॉलो ज़रूर करिए। थैंक यू।